नमस्कार, डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह, सीनियर साइंटिस्ट मौसम केंद्र भोपाल। जैसा पिछले 24-48 घंटों में हमने अनुमान जताया था कि एक पश्चिमी विक्षोभ ईरान के आसपास सक्रिय होगा और उसके चलते हुए मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव आएगा। अभी फिलहाल जो स्थिति है, ये पश्चिमी विक्षोभ पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ के मध्य पाकिस्तान के ऊपर आ चुका है और साथ में अरब सागर में जो ट्रफ था वो थोड़ा कमजोर हुआ है। हालांकि अभी भी वो पूर्वोत्तर अरब सागर तक सक्रिय है। जो इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन था वो गुजरात के ऊपर आ चुका है और आगे बढ़कर वो दक्षिणी राजस्थान के आसपास अभी लाई कर रहे हैं। साथ में जो मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में एक चक्रवाती घेरा था वो अभी भी सक्रिय है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी कमजोर हुई है। और इसी के अलावा जो उड़ीसा के आसपास जो चक्रवाती घेरा था वो भी थोड़ा कमजोर पड़ा है। हालांकि पिछले 24 घंटे में जो सिस्टम थे वो काफ़ी स्ट्रांग थे और पूर्वी पश्चिमी हवाओं के आपस में टकराने की वजह से इंदौर, उज्जैन, होशंगाबाद और भोपाल संभागों के कई स्थानों पर बारिश दर्ज की गई, जबकि इंदौर उज्जैन संभाग में भारी वर्षा भी दर्ज की गई, जिसमें झाबुआ में रामा में सबसे ज़्यादा 110.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं पर सागर, ग्वालियर, चंबा, जबलपुर संभागों के जिलों में कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी रही। आगामी अगर हम 24 घंटे की बात करें तो अभी यह सिस्टम 2 से 3 दिन तक असरदार रहेगा और हमने जो आज वार्निंग जारी की है आप देख सकते हैं, लगभग 7 जिलों में हमने ऑरेंज अलर्ट आज भी दिया है। नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, मंडला, डिंडोरी, दमोह और गुना, जहाँ पे 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं, साथ में हल्की ओलावृष्टि, छोटे आकार के जो ओले होते हैं वो थंडरस्टॉर्म के साथ हो सकते हैं। जबकि इंदौर संभाग, भोपाल, सागर, रीवा, शहडोल संभाग के दूसरे जिलों में येलो अलर्ट माने हल्की वर्षा और कहीं कहीं पर थंडरस्टॉर्म या बिजली गिरने की संभावना रहेगी। जबकि शेष जिलों में मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन फिर भी बूंदाबांदी की संभावना आज भी रहेगी। 24 घंटे बाद सिस्टम और कमजोर होगा और अगर आप मैप में देखें तो इंदौर, उज्जैन संभाग में लगभग बारिश की गतिविधियाँ घट जाएंगी। हालांकि भोपाल, जबलपुर और नर्मदापुरम संभागों के जिलों में हल्की बारिश कल के बाद भी रहेगी और जबकि सागर संभाग में कहीं कहीं पर बूंदाबांदी दर्ज हो सकती है। 48 घंटे बाद की यदि बात की जाए तो एक और पश्चिम विक्षोभ 29-30 नवंबर को सक्रिय हो रहा है और उसके चलते हुए मध्य राजस्थान के ऊपर एक चक्रवाती घेरा डेवलप होने की उम्मीद है और फिर से एक बार बारिश की गतिविधियाँ 29 तारीख से बढ़ेंगी। आप देख सकते हैं लगभग मध्य प्रदेश का मध्य और दक्षिणी हिस्सा, जिसमें सागर, शहडोल, जबलपुर, नर्मदापुरम, इंदौर और भोपाल संभाग शामिल है, यहाँ पे थंडर स्टॉर्म गतिविधियाँ एक बार फिर से बढ़ेंगी जो 30 नवंबर को भी कंटिन्यू रहेंगी। क्योंकि अभी ये बारिश की गतिविधियाँ कल से कमजोर होने के बाद 2 दिन बाद फिर से एक बार शुरू होंगी, इसलिए तापमान अभी बहुत ज़्यादा घटने की उम्मीद नहीं है। हालांकि दिन में हल्की ठंडक का एहसास है क्योंकि यहाँ पे बादल छाए हुए लगातार और धूप नहीं निकल पा रही है। साथ ही किसानों को यह सलाह दी जाती है कि जहाँ जहाँ ओलावृष्टि हुई है वहाँ पर जो भी हमने प्रेस रिलीज में उनको सुझाव दिए हैं कि ओलावृष्टि होने के बाद ये करना है, वो उन सुझावों को पालन करें। जबकि जो दूसरी फसलें हैं जहाँ पर बुआई में नुकसान होने की संभावना है पानी बरसने की वजह से, वहाँ पर जल निकासी का प्रबंध कर सकते हैं, दवाइयों का छिड़काव या फिर उर्वरकों का छिड़काव या दूसरी जो भूमि की एक्टिविटीज़ हैं उनको रोका जा सकता है। और साथ में जो वज्रपात से होने वाली घटनाएं हैं उनसे सावधान रहने के लिए अपने आप को खुले में, जब कभी भी बादल में गर्जन हो रहा है तो वहां पे खुले में काम करने से उनको बचना चाहिए। धन्यवाद। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।